हेलो एवरीवन, माय नेम जुलता, वेलकम टू माय चैनल डेली इंटरेस्टिंग। आज हम बनाएंगे तोरे की सब्जी। तोरे की सब्जी बनाने के लिए हमने ये 1 kg तोरी ली है और ये छोटी छोटी तोरी है, और आप मार्केट से लेके आए तो छोटी छोटी तोरी लेके आए, बहुत ही टेस्टी लगती है। और ये हमने इसको पील कर लिया है, इसको हल्का हल्का पील करेंगे, बहुत ज़्यादा डीप पील नहीं करेंगे। और तोरी पील करने से बहुत ही टेस्टी लगती है, तो हम इसको काटेंगे तो बीच से कट लगा के काटेंगे। इससे क्या है ना, अच्छी अंदर तक मसाला जाता है। अगर आप रिंग रिंग काटते हैं तो उसमें अंदर तक मसाला नहीं जाता, तो हम इसको बीच से कट लगा के ही काटेंगे। और इस तरीके से काटने से सब्जी अच्छी लगती है, और आप जैसे आपको काटना है आप अपने तरीके से भी काट सकते हैं। तो हम इसको काट लेते हैं, और इसको इसी तरीके से काटना है हमें। और ये हमने पूरा तोरी काट ली है। मसाले में हमने ये 4 teaspoon कोरिएंडर पाउडर लिया है एंड 1 teaspoon रेड चिली पाउडर है, क्योंकि ये ग्रीन चिली भी है तो ज़्यादा स्पाइसी हो जाए। और आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। ये 1 teaspoon है और ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी है। और ये टर्मरिक है 1 teaspoon एंड 1 pinch हींग है, बड़ी इलायची का पाउडर है, एंड बड़ी जो इलायची होती है उसका छिक्कल भी बड़ा टेस्टी लगता है, सब्जी में अच्छा फ्लेवर आता है। एक क्रश काली मिर्ची है, ये भी 1 teaspoon है। ये 1 inch जस्ट दालचीनी का टुकड़ा है, सिनेमन एंड 1 तेज पत्ता है। आप स्किप भी कर सकते हैं, अगर आपके पास है तो डालो, नहीं है तो नहीं डालो। और हम आज गरम मसाला नहीं लेंगे, इससे बहुत अच्छी लगती है। आप इस तरीके से तोरी बनाएंगे जस्ट क्रश काली मिर्ची से, बहुत ही टेस्टी लगती है। आपको मसाले का नीड ही नहीं होगा कि आपको मसाले डालें, क्योंकि हम ये सारे मसाले डाल रहे हैं तो उससे टेस्टी लगेगी सब्जी। और इधर हमने 2 medium size का ग्रीन चिली लिया है, इसको हमने काट लिया है। और ये 1 big size का अनियन है, 2 tomato है, इसको हमने काट लिया है। और ये कोरिएंडर है, इसको अभी हमने काट लिया है। थोड़ा सा ऑयल लेंगे, थोड़ा सा घी लेंगे, दोनों से मिला के बनाएंगे, क्योंकि घी घी में भी अच्छी नहीं लगती वैसे तोरी, तो दोनों को मिला के बनाएंगे तो सब्जी टेस्टी लगती है। और आप जैसे आपको पसंद हो आप भी घी घी में भी बना सकते हैं और ऑयल में भी बना सकते हैं। और ये 8-10 गार्लिक की कलियाँ हैं जिसको हमने मोटा मोटा कूट लिया है। और 1.5 teaspoon इस सॉल्ट है और 1 teaspoon जीरा है। अब हमने इधर कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें 2 teaspoon डालेंगे घी। सो ये 2 teaspoon हमने घी डाल दिया है, इससे अच्छा फ्लेवर आएगा। और अब डाल देते हैं थोड़ा सा ऑयल, दोनों ही मिला के डालेंगे थोड़ा सा, और कम ही ज़्यादा ऑयल घी में नहीं बनाएंगे, थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे। तो इतना हमने ये 2 teaspoon ही हमने ऑयल डाल दिया है। और अब हम तोरी को फ्राई करेंगे, तो पहले इसको पूरे में ऐसे कर लेंगे जिससे तोरी ज़्यादा चिपके नहीं, क्या ना चिपक जाते हैं उसके जो सीड्स से होते ना, सॉफ्ट है, तो हम इस तरीके से पूरा इसमें लगा लेंगे। अच्छे तरीके से ये लग गया है, अब इसमें डाल देते हैं हम तोरी, हल्का सा फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, और हाई टू मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई करेंगे। तो ये तोरी डाल दी है हमने पूरी, ये देखो कितनी सॉफ्ट है और अच्छा सीजन है और हेल्दी होती है, बहुत ही हेल्दी होती है। सो ये हमने डाल दी है इसमें तोरी। अब इसको हाई टू मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए इसको फ्राई कर लेते हैं, और चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है फ्लेम को इसी तरीके से, नहीं आप लाइक दिस चलाते ही रहना है। तो ये भून लेते हैं हम। आप ऑयल और घी में अगर तोरी बनाते हैं तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा होता है और बहुत ही टेस्टी लगती है, घी और ऑयल मिला के। और आप सिंगल सिंगल भी बना सकते हैं, ऑयल ऑयल में भी और घी घी में भी, बट दोनों को मिला के बनाएंगे तो सब्जी में टेस्टी अलग आता है, बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आप खाएंगे नहीं तो अभी खाने लग जाएंगे, इतना टेस्टी लगती है। हमने इसको हाई टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लिया है, अगर आप लो फ्लेम करते तो ये पूरा बॉर्डर बॉर्डर छोड़ देती और इतना टेस्टी नहीं बनेगी फिर, इसलिए हमने फ्लेम को हाई टू मीडियम किया था। इसी तरीके आप देख सकते हैं बॉर्डर बिल्कुल रिलीज नहीं हुआ है, और अगर आप लो कर देती तो ये बॉर्डर बॉर्डर रिलीज कर देती पूरे में। अब इसको निकाल लेते हैं प्लेट में, तो ये हमने प्लेट ली है, इसमें निकाल लेते हैं। अब फ्लेम को एकदम लो कर देंगे निकालने के टाइम। हमने तोरी को निकाल लिया, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है, ग्रीन ग्रीन। और इससे वैसे आप बिना फ्राई करे भी बना सकते हैं, बट फ्राई करके बहुत ही टेस्टी लगती है। अब हम फिर से इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, लुक लाइक दिस, इतना ही ऑयल डालेंगे और इतना ही हम घी डालेंगे, बहुत ज़्यादा ऑयल और घी नहीं डालेंगे। ये देखो इतना ही डाला है और दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। अब इसको होने देते हैं, फिर डालेंगे जीरा। अब ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है तो इसमें डाल देते हैं जीरा, डाल देते हैं दालचीनी का टुकड़ा, डाल देते हैं और तेज़पत्ता भी डाल देते हैं, और इसमें जो इलायची का चिकन लिया था वो भी डाल देते हैं, ये डाल दिया है। और इसको थोड़ा सा भुनने देते हैं, भुन गया है। अब इसमें डाल देंगे अनियन, अनियन डाल देते हैं,
हम गार्लिक नहीं डालेंगे, नहीं वो तले में चिपक जाता है। अगर आप गार्लिक काट के डालें तो पहले डाल सकते हैं काट के, अगर आप मोटा मोटा कूट के डालते हैं तो वो चिपक जाता है, या पेस्ट डालते हैं तो वो भी चिपक जाता है। तो अनियन के बाद ही डालेंगे, और चिली भी नहीं डालेंगे क्योंकि चिली ज़्यादा भुन जाती है तो ज़्यादा स्पाइसी हो जाती है सब्ज़ी। तो अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा भुनने के बाद, हाफ मिनट ओनली। अब डाल देंगे हम गार्लिक, गार्लिक डाल दिया है, अब डाल देंगे चिली, ग्रीन चिली डाल दिए है, और इसको भून लेते हैं चलाते हुए। और इसको बहुत ज़्यादा नहीं भुनेंगे, ओनली गोल्डन ब्राउन होने तक ही भुनना है, फ्लेम को हाई टू मीडियम ही रखेंगे। अब ये भुन गई है, अब क्या करेंगे, इसमें से थोड़ा सा अनियन निकाल लेंगे। अगर आपके पास छोटे मतलब छोटे बच्चे हैं तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। आपको सब्ज़ी बच्चों को ज़्यादा खिलाना है तो क्या करेंगे, थोड़ा सा मसाला निकाल लेंगे, अनियन निकाल लेंगे थोड़ा सा इस तरीके से, और बच्चे से बच्चे ज़्यादा खाए, क्योंकि बच्चे स्पाइसी नहीं खा सकते। तो मैंने अनियन निकाल लिए, और इसमें एक अगर चिली का पीस चला गया तो उसको बाद में निकाल देंगे। अब हम इसमें मसाले ऐड कर देते हैं, अच्छे से भुन गई है, और ये मसाले लिए, सारे मसाले ऐड करेंगे हम एक ही साथ ऐड कर देंगे पूरे, और फ्लेम को एकदम लो ही रखना है मिलाने के टाइम। और इसको जस्ट हाफ मिनट ओनली अनियन के साथ भूनेंगे, भून लेते हैं हाफ मिनट। और हमने ये मसाला हाफ मिनट भून लिया, आप देख सकते हो ऑयल बिल्कुल, ऑयल ही हमें कम ही यूज करेंगे क्योंकि ज़्यादा अच्छा नहीं होता। अब हम डाल देते हैं इसमें टमाटर, जो टमाटर लिए थे वो डाल देते हैं, थोड़े से टमाटर हम अपने उस जो बचाया था उस सब्ज़ी वो थोड़ा उसमें डालेंगे। तो ये हमने टमाटर डाल दिए हैं, और इनको भी बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे, ओनली मसाले के साथ 2 मिनट्स हाई टू मीडियम फ्लेम पर इसको भूनेंगे। इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देंगे हाफ, जिससे ये टमाटर थोड़ा सा सॉफ्ट सा हो जाए। सो हाफ सॉल्ट ऐड कर दिया है, और इसको 2 मिनट्स मसाले के साथ भूनेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। टमाटर को 2 मिनट्स मसाले के साथ भून लिया है, अब जो तोरी बची थी उसको डाल देते हैं, और इसको थोड़ा सा बचा लेंगे बच्चों के लिए। और आप भी इसी तरीके से कर सकते हैं अगर बच्चों को सब्ज़ी खिलाना है तो ये थोड़ी सी हम बचा लेंगे इसी तरीके से। और फ्लेम को लो रखना है तोरे के डालने के टाइम, और इसको अच्छे से मिलाएंगे मसाले के साथ। इसको भी 4-5 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको भूनना है मसाले के साथ। हम इसमें सॉल्ट डाल देते हैं, जितना बचा था पूरा थोड़ा सा बचा लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा हमने निकाला है बच्चों के लिए, तो थोड़ा सा सॉल्ट बचाएंगे, थोड़ा सा इतना दिस मच, और इसको अच्छे से मिलाएंगे। सॉल्ट अच्छे से पूरे मिला लिया है, अब क्या करेंगे, 4 मिनट्स इसको मसाले के साथ भून लिया है तोरे को, अब लो फ्लेम पर इसको कवर करके पकाएंगे 5 मिनट के लिए। तो अब इसको कवर कर देते हैं इस तरीके से, और 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे। और ये 10 मिनट हो गए हैं, हमने एक 5 मिनट के बाद चेक किया था, 5 मिनट के लिए और कवर किया था, 10 मिनट में ये सब्ज़ी अच्छे से पक गई है। अब इसमें डाल देते हैं ग्रीन कोरिएंडर, फ्लेम को लो ही रखा था 10 मिनट्स तक, अब इसमें ग्रीन कोरिएंडर डाल देते हैं और अच्छे से मिला देते हैं बढ़िया। ग्रीन कोरिएंडर थोड़ा ज़्यादा ही डाले, सब्ज़ी अच्छी लगती है टेस्टी, और ग्रीन कोरिएंडर अच्छा भी होता है इसके लिए, तो हमने ग्रीन कोरिएंडर थोड़ा ज़्यादा ही डाला है। अब इसको बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, और ये जो ये पड़ा था ये क्या बोलते हैं तेजपत्ता, इसको भी निकाल देते हैं, साइड से निकाल देंगे, इसका जितना काम होना था उतना हो गया। अब इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं बोल में, लोग कितना अच्छा बना है, और ऑयल भी बहुत ही कम, ऑयल घी कम ही डाला है वो देख सकते हैं आप। और ये तोरई, और इसमें सॉल्ट भी डाल दिया है हमने, जस्ट कोरिएंडर भी डाल दिया, कोरिएंडर थोड़ा ज़्यादा डाला है, क्रिस्प थोड़ा सा क्रिस्प काली मिर्ची डाला है, टमाटर भी डाला है थोड़ा सा, अनियन एंड जीरा का जो मसाला था वो भी डाला है। अब क्या करेंगे, वो सब्ज़ी ट्रांसफ़र कर लिया, अब सेम पैन में ही आपको ऑयल घी और डालने की ज़रूरत नहीं है घी, अब इसको ऐसे ही इसमें डाल देंगे, और इसको बच्चे वाली सब्ज़ी, और आपको आप भी इसी तरीके से अपने बच्चे के लिए बना सकते हैं, आपको दोबारा पैन लेने की ज़रूरत नहीं है। सेम पैन में आप इसको मिला के, इसमें सब कुछ डाला है टर्मरिक पर मिला के ऐसे कवर करके पकाएंगे, और ये 5 मिनट में रेडी हो जाएगी, और आप भी इसी तरीके से अपने बच्चे के लिए भी बना सकते हैं। सब्ज़ी को हमने ट्रांसफ़र कर लिया है, आप थोड़ा सा ग्रीन कोरिएंडर से गार्निश करेंगे, और ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगती है अगर आप घी में बनाएंगे तो, बहुत ही टेस्टी हेल्दी सी तोरे की सब्ज़ी बनके तैयार है। आप इसको रोटी पूड़ी पराठे के साथ खा सकते हैं, अगर आपको राइस के साथ पसंद है तो राइस के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है ऑयल और घी के कॉम्बिनेशन की सब्ज़ी। और ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड कॉमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट रेसिपी।